दोस्तों आज मैं जब है आपका एक सुधार में बिजार ऊपर तो आगे भारतीय सेना में आज इस तरह के दौड़ते हैं खेतियाँ मैंने अपना आज का वर्कर आउट जो है खेती कराकर किया था तो यार एक चीज़ है ना इतनी बुरी हालत है कसम से कह ये कूड़े घर के नाम पे ये इलाका डिप्लॉयमेंट किया गया है इसकी ये गई है कूड़ा घर इसको मारा गया है ठीक है अब मैं इसकी पोल खोलता हूँ ये नगर पालिका ये चंपात के अंतर्गत जो कूड़ा घर आता है इसकी ढोल की पोल मैं खोलता हूँ और मैं बता देना चाहता हूँ कि जो यहाँ के जितने भी वरिष्ठ अफसर हैं या जो भी सम्मानित व्यक्ति हैं जो सम्मानित लोग हैं और जो यहाँ के मारवाड़ नेता लोग हैं मेहरबानी करके सर आप लोगों का ध्यान में एक को आकर्षित करना चाहता हूँ भयव इस चीज़ का ध्यान दीजिए और फिजिकल वर्क फिजिकल के अंदर बैठे बैठे किसी से ले रिपोर्ट ले लेना और वहाँ की रिपोर्ट को ओके कर देना नहीं होता ग्राउंड के अंदर अगर हम फिज़िकली तौर पर खुद चेस चेक नहीं करेंगे कि कहाँ पे विकास हो रहा है कहाँ पर नहीं हो रहा है क्या क्या कमियाँ इस देश के अंदर क्या क्या हमारे उत्तराखंड के अंदर कमियाँ है और क्या क्या हम उत्तराखंड के अंदर हम कर सकते हैं और क्या क्या हमें करना डेवलपमेंट कर दी ये उनकी भी जवाबदारी है और ख़ास तौर से इसमें सबसे Uh, कसूरवार में देश की जहाँ उत्तराखंड की जनता को मानता हूँ ठीक है अभी मैं आपको यहाँ के कूड़ा घर को दिखाता हूँ जिसकी वजह से मैं दौड़ते दौड़ते रुक गया मरना मुझे रुकना पड़ा ठीक है डिप्लोमेंट के नाम पर यहाँ पर ये यह टीन शर्ट बना हुआ है ये आप देख रहे होगे कूड़ा घर के नाम पर टीन शर्ट बना हुआ है ठीक है फर्जिया टीन शर्ट मैं इसको कह सकता हूँ जिस पर लोकल लोहे के एंगल लगाए गए हैं अब मुझे कूड़े के ऊपर से ही कूदते जाना पड़ेगा कूड़े से बाद में वाफियत कराऊँगा ठीक है ये ये लोहे के एंगल देखो ये छः छः रुपये किलो वाले एंगल जो है लगा के इसमें इस, इस टीन सेट को जो है खड़ा कर दिया गया ये टोटल एंगल पूरे टेढ़े दिख रहे होंगे ठीक है कूड़े घर के नाम पे ये कूड़ा घर है चलो मैं मानता हूँ ये है ठीक है नगर पालिका चंपात के अंदर इस कूड़े को बनाने की बनाया गया है उत्तराखंड को साफ सुथरा रखने के लिए ले, लेकिन क्या उत्तराखंड के साफ़ सुथरा आप रख पाओगे क्या ये आप लोगों का तरीका इसको उत्तराखंड को साफ़ करने का और कूड़े को इसका डिस्ट्रॉय करने का ये आपके कूड़े घर के अंदर का कूड़ा है ठीक है मैं वहां तो ये अंदर है आप इसको निकाल के रिसाइकिल के लिए भेजोगे ये है ठीक है ये अंदर का नज़ारा दिखा रहा हूँ ये अंदर है ओके ये यह, और यहाँ स्पेस पूरा खाली है कूड़ा डालना चाहिए था इसके अंदर डालना चाहिए पूरा स्पेस आपको दिखा रहा है ये पूरा खाली है यहाँ पूरा खाली है इधर पूरा खाली है ये पूरा खाली, ये खाली ये है खाली ठीक है ये कूड़ा यहाँ से ठीक है चाहे वो कर्मचारी है कोई हो ना जब बंदे की नौकरी लग जाती है कुछ पैसे आने लगते रहे जब पुराना हो जाता है वो सोचता है कि ये मेरे जागीर है तो ऐसे नकारा कर्मचार को निकालो लोग से बर्खास्त करो अच्छे कर्मचारी को अंदर लाओ और इनका टेस्ट लो और इनसे फिजिकल रोटी डेली रूटीन वर्क की प्रोग्रेस रिपोर्ट मांगो यार कूड़ा यही फेंक के देखो ये पूरा ढेर जो है इन्होंने बाहर लगा दिया है पूरा पाले से ये क्या होगा पूरा ढेर जो है पहले से पूरा ढेर सीलन करेगा ये 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 पूरा कूड़े घर की हालत ये पूरा ग्राउंड में जो रोड ट्रैक था ना ट्रैक के अंदर कूड़ा आया हुआ है जिसमें गाड़ी आएगी और कूड़ा अंदर डाल दी रिस बनती है और ये पूरा लास्ट पूरा ट्रैक है ठीक है और मैं आपको दिखाता हूँ ये दिख रहा होगा आपको ये ये, ये रोड जो जितना भी कूड़ा है ना ये पूरा रोड के बाहर है ठीक है ये जितना भी कूड़ा है रोड के बाहर वाले इलाके में दोस्तों ठीक है बाहर वाले में ये ये पूरा कूड़ा उड़ उड़ के बिखर बिखर के कहाँ कहाँ फैल गया है कहाँ कहाँ ये जा चुका है ये देखो ये ठीक है कहाँ कहाँ ये कूड़ा जा चुका है कहाँ कहाँ ये फैल चुका है ये मैं आपको दिखा रहा हूँ कूड़े ने ना अपनी ये देखो ये कहाँ कहाँ तक आग लगा गई है पर्यावरण बचाव बोलते हैं आग लगाते हैं और वैसी इस पर जो जलाने पर वैसे भी ऑलरेडी पाबंदी है इसको रिसाइकिल किया जाना चाहिए लेकिन ये महानुभाव लोग जो है खर्चा बचाने के लिए इसको रिसाइकिल गाड़ी में भेजने के लिए डीजल पेट्रोल बचाने के लिए गाड़ी का खर्चा बचाने के लिए ठीक है कर्मचारियों को बचाने के लिए इसको लोग इसी तरह कचले के ढेर में जला देते हैं और पूरा नीचे खेतों तक पूरा जो है खेतों की जो उर्वरक शक्ति है और पेड़ों का विकास होना चाहिए पूरे पेड़ जल चुके हैं ठीक है पूरे पेड़ों को इसको पूरा जला दिया गया है पूरे पेड़ अच्छी तरह से जल चुके हैं देखो पूरे पेड़ को जला जला के इन्होंने इनकी खाद निकाल दिया दोस्तों बड़ी सर्वे की बात है बहुत सर्वे की बात है ठीक है पेड़ लगाओ पर्यावरण को बचाओ पेड़ नहीं करने चाहिए करके एक मुहिम चली जा रही है और ये लोग क्या यहाँ की जनता ये भी नहीं देख रही है कि यहाँ के यहाँ पर जो है किस तरीके से जंगलों को जलाया जा रहा है और उनका विनाश किया जा रहा है ये देखो ये इनकी हालत है तो मेरी गुजारिश है यहाँ के नगर पत्र हेड ऑफ़ डिपार्टमेंट है और यहाँ के महानुभाव लोगों से यहाँ के समाज नेताओं से महरबानी करके ग्राउंड के तौर पे ग्राउंड में चेक करने की कोशिश करें ठीक है, है और इसको अप्लाई करने की कोशिश महरबानी करके खाली भाषण देख के या किसी बात को करने से किसी भी समस्या का समाधान नहीं होता है ग्राउंड में आपको फिजिकली ग्राउंड वर्क करना पड़ेगा तब जाके इस समस्या से उत्तराखंड निजात पाएगा ठीक है नहीं तो यहाँ पर का गदर मस्ता रहेगा दोस्तों बहुत बुरी हालत है आप देख रहे होगे ये इस चीज़ का ध्यान देखो और लास्ट में मैं आपको दिखाता हूँ ये कल मैं एक वीडियो इसका दोबारा रिसाइक कर इसमें वर्कर नहीं होता एक वीडियो दोबारा बता के इसको जड़ से मैं अच्छे आप इसकी ढोल की फोल खोलूँगा ये देखो टोटल मिला के कम से कम पाँच सौ हज़ार पेड़ों का इसका बलि दे दी जा चुकी है।, है पूरे पेड़ जल के ख़त्म हो चुके हैं पूरे पेड़ जल के दोस्तों ठीक है यह हालत है कूड़ा कहाँ कहाँ फैल रहा है इनको कोई लेना देना नहीं है और इस पर पूरी से जनता है बीच की वो जो मेन रोड है ना उस पर घूम के विजिट करके अपना सामान खरीद के निान निन्यानवे रुपये वाला माल खरीद के चाय पी के पिज्ज़ा बर्गर खा के दुकानों से टाइम पास करके जाने की जरूरत नहीं है अगर चंपावत में आप लोग पैदा हुए चंपावत के विकास के लिए आप चाहते हो कि हमारे बच्चे शुद्ध हवा में रहें शुद्ध वातावरण में रहे तो मेहरबानी करके फिजिकल थर्पर कहीं भी कोई गलत चीज़ देखते हो उसके बारे में आगे प्रशासन को फॉर्म किया करे ये देखो ये हालत ये 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 हालत है दोस्तों अभी सारे के लिए इतना काफी है इसका मैं एक्चुअल वीडियो रियल तौर पर फिर बनाऊंगा और इसकी रिपोर्ट की जाएगी हंड्रेड परसेंट की रिपोर्ट की जाएगी और इसकी रिपोर्ट कहाँ करनी है कैसे करनी है वो मैं अच्छी तरह बखूबी जानता हूं ये देखो हिंद बंदे मातरम झंडा ऊंचा रहे हमारा झंडा ऊंचा तब ऊंचा रहेगा जब देश के नकारा कर्मचारी अपने काम को सही तरीके से करना सीखेंगे देश के आला अफसर जो अपना काम को सही तरीके से अंजाम नहीं दे पा रहे हैं और चेयर में बैठे बैठे इसी रूप में बैठे बैठे अपना समय पास करके साइन कर देते हैं ऐसे का, काम ग्राउंड में आके काम करेंगे ये देश के इन पेड़ों का जवाबदार कौन है और ये पेड़ जो सुखा दिए गए इसकी स्मोटी कौन लेगा कौन फॉरेस्ट विभाग क्या कर रहा है फॉरेस्ट विभाग की जवाबदारी क्या है फॉरेस्ट विभाग ने इसमें क्या संज्ञान लिया है और उनके फोजो फो भी रेंजर साहब है जो भी यहाँ का फॉरेस्ट गार्ड वगैरह वो, वो क्या दाल भात खा के क्या पिछवाड़ में तो बैठ के सोया पड़ा है क्या है वो इंसान है इतने सादा चीड़ के पेड़ वो दो तो चिड़ की गिरफ्त चीड़ का पेड़ भी गिरफ्त पर आने वाला होता बड़ा भयंकर पेड़ और वो सूख जाएगा तकरीबन इसको खड़े होने में कम से कम दस या पंद्रह साल लगे हैं और ये पेड़ इतने अच्छे अच्छे पेड़ भेड़ चढ़ गए हैं दोस्तों ठीक है ये बहुत शर्म की बात है कोई देखने वाला नहीं है सबकी आंखें बंद है पूरे पेड़ जल चुके हैं कम से कम यहीं पर ही जो पेड़ अभी ग्रोथ कर रहे थे कम से कम मैं बताता हूं कि एक हज़ार से ऊपर पेड़ों का सत्यानाश हो चुका है और जमीन की ओर शक्ति ख़त्म हो चुकी है पूरा प्लास्टिक से पेड़ों ब्लॉक हो, हो चुका है जय हिंद दोस्तों सर में है तो इसके लिए कदम उठाओ उत्तराखंड को बचाना है तो आगे बढ़ो ठीक है नहीं तो प्लेन से जाता प्लेन से जाता हूँ करके कहानी सुना के की बकवास करके घिट के आगे आग सीख के ना और ये बग, वो करके नहीं होगा ग्राउंड में काम देखो गदर मचा पड़ा है ठीक है रिसाइकिल मसीना नहीं लगा सकते हो अगर तो कम से कम को डैम्पिंग करके सही तक स्टोर करो और सीधे भेजो